ये क्या होता है? स्मृतियों के बादल आते हैं, छा जाते हैं और फिर हवा के हल्के झोंकों के साथ उड़ जाते हैं। प्रश्न चिन्ह हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। जीवन की हमारी यात्रा में अनिश्चितता हमेशा हमारे साथ रहती है। अनिश्चितता हमेशा मौजूद रहने वाला वह साथी है जिससे हम जितना भी दूर भागना चाहे, वह फिर भी हमारे निर्णयों, हमारे दृष्टिकोणों और हमारे पथ को दिशा और आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अनिश्चितता उस परछाई की तरह है जो प्रकाश की हर किरण के साथ हमारे साथ चलती है और हमेशा हमारे सामने बहुत से प्रश्न चिन्ह खड़ी करती रहती है। और सोचता हूँ कि मेरी यह यात्रा कैसी है और कैसी है यह प्रतीक्षा, किस गंतव्य की अभिलाषा है, जब हर गंतव्य मात्र दिशा सूचक है कुछ और आगे जाने का। इस जीवन की यात्रा में जब हमें लगता है कि अब सब निश्चित है, तभी ऐसी घटनाएं हो जाती है कि हमारे सामने प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं। बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि जीवन जैसे ठहर गया हो, लेकिन हमें इन अनिश्चितताओं को लेकर चलते रहना पड़ता है। तमाम अनिश्चितताओं और सवालों के बावजूद जीवन एक सतत यात्रा है। ठहराव अंत नहीं है, एक यात्रा है। न कोई अंतिम लक्ष्य होता है, न ही कोई निश्चित गंतव्य। कवि इस बात को इंगित करते हैं कि जीवन के अकेलेपन में हमारे मस्तिष्क में बहुत से सवाल उमड़ घुमड़ करते हैं। संभवतः शून्यता है कहीं मेरे ही अंतःकरण में समाई, जो करने लगती है मुझसे ये अनर्गल प्रश्न चिन्ह। जब भी मैं अकेला होता हूँ, क्यों कुछ भी सुनिश्चित नहीं लगता? जहाँ नहीं भी होते हैं, वहाँ भी खोजता हूँ कुछ प्रश्न चिन्ह। जीवन में हमारे सामने बहुत से पथ होते हैं और बहुत बार हम भ्रम की स्थिति में रहते हैं कि हम सही दिशा ले रहे हैं या नहीं। इसमें भी प्रश्न चिन्ह हमेशा ही रहता है कि जिस दिशा को हमने चुना है, जो निर्णय लिया है, वह सही है या नहीं। और इन प्रश्न चिन्हों का सामना हम विभिन्न तरीकों से अपने मन को सांत्वना देकर करते हैं। कभी उन्हीं पुराने प्रश्नों के नए उत्तर खोजकर और कभी उन्हीं पुराने उत्तरों में नई बातें खोजकर हम खुद को उचित ठहराते रहते हैं। और जब परेशान हो जाते हैं तो ईश्वर को खोजते हैं और अनेक बार उसी ईश्वर पर भी हम प्रश्न चिन्ह लगाए रहते हैं कि वो है भी या नहीं। इस कविता की पुस्तक को पढ़कर मुझे यही समझ में आया कि जैसे हम मनुष्य दूसरों को नियंत्रण में रखने की प्रवृत्ति से पीड़ित है, उसी तरह जब हम स्वयं पर उसी तरह का नियंत्रण करने की चेष्टा करते हैं, तब विभिन्न तरह के सवाल, विभिन्न तरह के प्रश्न चिन्ह अनायास ही हमारे मन में उत्पन्न हो जाते हैं। खुद पर नियंत्रण करने का एक मूल कारण यह है कि हम खुद को निश्चितता से बांधकर रखना चाहते हैं। अजय शुक्ला द्वारा लिखित काव्य प्रश्न चिन्ह एक पुस्तक के रूप में उपलब्ध है। वे भारतीय रेल यातायात सेवा यानी IRTS में अधिकारी थे और सदस्य यातायात के पद से सेवानिवृत्त हुए। उनकी प्रमुख हिंदी कृतियां हैं दूसरा अध्याय, ताजमहल का टेंडर, प्रश्न चिन्ह और कविता संग्रह प्रतिबोध। यह प्रस्तुति उसी कविता प्रश्न चिन्ह की छोटी सी पुस्तक पर थी। पुस्तक छोटी जरूर है पर उसमें बहुत सी गूढ़ बातें हैं। यह प्रस्तुति देखने के लिए धन्यवाद।